भाई ये हो क्या रहा है? पहले यहाँ पर गोली भिड़े का सखाराम को एक्सीडेंट करके सड़क किनारे पार्क कर देता है। उसके बाद यहाँ पर भिड़े इसको देखकर काफ़ी ज़्यादा बौखला जाता है। और उसके बाद यहाँ पर सोडी क्या करता है कि अपने गराज के मैकेनिक हैप्पी को फ़ोन करता है और बोलता है जल्दी से यहाँ पर आ और स्कूटर को रिपेयर कर। उसके बाद यहाँ पर सभी गोली को ढूंढते हैं लेकिन गोली का कहीं भी पता नहीं लगता है। उसके बाद सभी पहुँच जाते हैं पुलिस स्टेशन चालू पांडे के पास गोली का मिसिंग कंप्लेन लिखवाने। और मिसिंग कंप्लेन लिखवाने के बाद ये लोग वापस गोकुलधाम सोसाइटी आ जाते हैं। फिर दोस्तों कहानी में एक ट्विस्ट आ जाती है। ट्विस्ट क्या आती है कि सोडी का जो मैकेनिक हैप्पी लोकेशन पे जब पहुंचता है जहां पर गोली ने स्कूटर का एक्सीडेंट किया था उससे रिपेयर करने के लिए, तो वहां पर स्कूटर यानी कि भिड़े का सखाराम मौजूद ही नहीं रहता है, वो गायब हो जाता है। तो यहां पर बहुत लोग सोच रहे हैं कि क्या ये सखाराम कहीं चोरी तो नहीं हो गया। दोस्तों मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि सखाराम चोरी हुआ है, बल्कि गोली वापस आया होगा, सखाराम को लिया होगा और वो हो ना हो गोकुलधाम सोसाइटी आ रहा होगा, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है कि गोली छुप छुप के इन लोगों को देख रहा होगा कि ये लोग जब भिड़े और टप्पू सेना आई थी यहाँ पर, तो गोली हो ना हो कहीं से छुप कर देख रहा होगा इन लोगों को। और जब ये लोग चले गए तो गोली वापस स्कूटर को लेने आया और लेके शायद से वो गोकुलधाम सोसाइटी पहुँच रहा होगा, जो कि हमें शायद से आने वाले एपिसोड में देखने को मिले। बाकी दोस्तों ये तो सिर्फ मेरा एक प्रेडिक्शन है, बाकी एक्चुअल में क्या होने वाला है ये तो तारक मेहता सीरियल के मेकर से जाने। लेकिन दोस्तों स्टोरी अब काफ़ी लंबी खींची जा रही है। एक संडे का जलेबी फाफड़ा का नाश्ता आज हो गया बृहस्पतिवार, लेकिन अभी तक इन लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ और स्टोरी इतनी लंबी भी चल रही है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, गोली आएगा गोकुलधाम में या फिर नहीं, कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताकर जाना। और ऐसे ही अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।